सलाम अलैकुम, वेलकम दोस्तों हमारे चैनल मोबाइल रिव्यू कलात में। दोस्तों बात करेंगे टेक न्यूज के बारे में। जो लोग ओप्पो रेनो 7 के इंतजार कर रहे हैं तो अब वो ओप्पो रेनो 8, ओप्पो रेनो 8 प्रो के इंतजार करें, क्योंकि ओप्पो रेनो 7 पाकिस्तान में नहीं आने वाले हैं। ओप्पो रेनो 8 और ओप्पो रेनो 8 प्रो पहले ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा, फिर पाकिस्तान में हमको देखने को मिल जाएंगे। अब जो न्यूज सामने आ रहे हैं ओप्पो रेनो 8 के बारे में, वो ऐसे है कि उसके डिजाइन को भी लॉन्च कर दिया गया है और यहाँ पर हमको इसके स्पेसिफिकेशन भी कुछ लीक हो गई है। हम आप लोगों को इसके स्पेसिफिकेशन भी बताएंगे। इसके डिजाइन भी कंफर्म हो गई है और इसके स्पेसिफिकेशन जो है ये भी कंफर्म हो गई है। अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.55 इंच का हमको ओलेड एलसीडी मिल जाएगा या सुपर एमोलेड एलसीडी मिल जाएगा इस फोन में, और फुल एचडी प्लस क्वालिटी रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को हमको मिल जाएगा। और यहाँ पर साइड मॉनिटर का पंच होल डिस्प्ले सिंगल हमको देखने को मिल जाएगा। एचडीआर 10 प्लस सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा और फिंगरप्रिंट हमको यहाँ पर इन डिस्प्ले मिल जाएगा, क्योंकि ओप्पो के अक्सर फोन्स में फिंगरप्रिंट हमको इन डिस्प्ले मिल जाते हैं। और यहाँ पर रैम वेरिएंट की बात करें तो हमको कंफर्म है 3 वेरिएंट हमको मिल जाएगा, 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज और 8 GB रैम, 256 GB और 12 GB 256 GB वेरिएंट हमको ओप्पो रेनो 8 में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप भी हमको मिल जाएगा। ओवरऑल हम स्टोरेज की बात करें तो नो डाउट हमको यहाँ पर फ्लैगशिप टाइप की स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर बैटरी की बात करें तो बैटरी हमको 4700 mAh का बैटरी मिल जाएगा और 66 वाट का फास्ट चार्जर भी इस फोन में मिल जाएगा, जो कि 30-35 मिनट्स में ये इसको फुल चार्ज करेगा 0 से 100% तक। और वर्जन हमको इस फोन में एंड्रॉयड 12 मिल जाएगा। अगर चिपसेट की बात करें तो चिपसेट कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 की चिपसेट मिल जाएगा या 888 प्लस या 898 का चिपसेट हमको इस फोन में मिल जाएगा। और कैमरा की बात करें तो बैक साइड पर हमको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जाएगा, मेन कैमरा जो कि 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 का मेन सेंसर मिल जाएगा, और सेकंड हमको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा, और थर्ड हमको मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो देखने को मिल जाएगा, और फ्रंट पर हमको 32 मेगापिक्सल का 32 मेगापिक्सल का हमको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। ये थी आज की हमारी टेक न्यूज, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट।